समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमलेश तिवारी की हत्या से नाराज अयोध्या के संत समाज ने किया शोक सभा श्रद्धांजलि। वहीं तपस्वी जी की छावनी पर शोक सभा श्रद्धांजलि आयोजित की गई। लखनऊ प्रशासन पर हमलावर हुए तपस्वी छावनी के महंत हीना हवाली का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी की सुरक्षा होनी चाहिए, यदि कोई गलत करे तो कार्रवाई हो। वहीं उन्होंने सरकार से मांग की कि प्रशासन को निर्देश दिए जाएं। वहीं उन्होंने कहा कि दोबारा इस तरीके की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, कमलेश तिवारी के परिजनों को न्याय मिले। तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास ने लखनऊ के प्रशासन पर उत्पीड़न का आरोप लगाया। तो एक शोक सभा और श्रद्धांजलि माननीय श्री कमलेश तिवारी जी की, जो निर्मम और अमानवीय ढंग से, क्रूरतापूर्ण ढंग से जो उनकी हत्या हुई है, इससे पूरा धर्माचार और सनातन धर्मानुयायी आहत है। ये हिंदू समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे कमलेश तिवारी जी, कई बार वो प्रशासन को बता चुके थे, लेकिन इसके बाद भी प्रशासन सचेत नहीं हुआ। जहाँ योगी जी, मोदी जी, अमित शाह दिन रात मेहनत करके अपने देश को ऊपर उठा रहे हैं, वहीं प्रशासन इतना ढीला है और आए दिन हिंदुओं की हत्या हो रही है। लेकिन जब हिंदू की हत्या होती है तो इसमें कोई जो है तो किसी को जू तक नहीं देखता है, लगता है जैसे मच्छर मर गया हो। और मुसलमानों के लिए प्रशासन जो है उनकी सुरक्षा में लगा हुआ है। हम कहते हैं हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबकी सुरक्षा हो। अगर कोई गलत कर रहा है तो सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अभी मुर्शिदाबाद में एक नारी की हत्या हुई जो प्रेग्नेंट थी, 8 महीने का बच्चा पेट में था, किसी को जू नहीं रहेगा। एक छोटे बच्चे की हत्या हुई, एक स्वयं सेवक की हत्या हुई, और यहाँ तो योगी जी हैं, यहाँ जो है कल जिस तरह से गला रेत के कमलेश तिवारी की हत्या हुई है, आए दिन रोज हिंदुओं की हत्या हो रही है। और हिंदू धर्म में जो देवी देवताओं को गाली दिया जा रहा है, असदुद्दीन ओवैसी, उसका छोटा भाई अकबरुद्दीन ओवैसी, आजम खान, ये लोग आए दिन हिंदुओं को गाली देते हैं, टारगेट करते हैं, लेकिन इनके ऊपर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होती है, छोटी मोटी होकर छोड़ दिया जाता है, जबकि इनको फांसी होना चाहिए। हम कहते हैं सबको न्याय, हम पक्षपात नहीं चाहते हैं, लेकिन आए दिन प्रशासन के इस ढीले रवैये से रोज हिंदुओं की हत्या हो रही है। सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? मैं प्रशासन को चुस्त दुरुस्त करें, दोबारा इस किस तरह की कोई घटना न हो, उनके परिवार को जो है तो न्याय दिया जाए, जो उनके परिवार में है उनको जो है जिससे सुरक्षित महसूस करें। हमको जो है 16 तारीख को भी जो है लखनऊ में मुसलमान घेर लिए थे मारने के लिए।